if volume of system is increasing, यदि सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसे हमने लिखा है इंटीग्रल ऑफ पीडी. नाउ प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से डीवी भी पॉजिटिव है. Work done by system would always come out to be a positive value. Work done by system हमेशा एक positive value आएगा. And work done by surrounding, जिसे हमने लिखा है integral of P external into dV external, या फिर जिसे हमने लिखा है minus of P external into dV. अब इधर आप देखिए P external प्रेशर हमेशा बाय मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाता है और डीवी सिंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, डीवी इज द डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, तो ये भी पॉजिटिव और आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है. मींस वर्क डन बाय सराउंडिंग अपॉन कैलकुलेशन इट वुड कम आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू. इन दिस सिचुएशन वी यूज्ड टू से that work is done by the system on the surrounding. Work is done by the system on the surrounding. इसका मतलब होता है कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है. इट मींस, इसका मतलब होएगा द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम इनटू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्क. इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर से सराउंडिंग में जा रही है वर्क के फॉर्म में. Work done by the system on the surrounding. Volume बढ़ रहा है. It means energy is being transferred from the system into the surrounding. In the form of work. In the form of work. If volume of system is increasing, work done by system हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, वर्क डन बाय सराउंडिंग हमेशा नेगेटिव वैल्यू. हम इसे कैलकुलेट कर कर भी देखेंगे अलग अलग प्रोसेस के दौरान. अब इसका ठीक उल्टा केस, वाइस वर्सा. इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग, यदि सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, if the volume of system is decreasing, मतलब piston अंदर जा रहा है, in that case work done by system which we had obtained as integral of pdv. अब जरा सोचिए P is a positive value. P is always a positive value. प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है. dV वॉल्यूम कम होने की वजह से dV नेगेटिव है and hence work done by system would come out to be a negative value. Work done by system हमेशा negative value आएगा. While work done by surrounding P external, external pressure, प्रेशर जो भी कुछ हो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है. dV, dV is change in volume of the system, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से dV नेगेटिव होएगा. dV नेगेटिव और आगे एडिशनली एक माइनस साइन है ही. अ नेगेटिव क्वांटिटी इनटू दिस माइनस साइन वुड मेक इट अ पॉजिटिव वैल्यू. वर्क डन बाय सराउंडिंग इस केस में पॉजिटिव आ जाएगा. और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? वी से दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. इस बार सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क कर रहा और इसका फिजिकली हम क्या मतलब निकालेंगे? फिजिकली हम इसको विजुअलाइज करेंगे एज एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. इनटू द system from the surrounding in the form of work. अब ऐसी कंडीशन में सराउंडिंग से बाहर से एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है, गैस के अंदर जा रही है, जो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है उसके अंदर एनर्जी जा रही है और सराउंडिंग से वो एनर्जी अंदर जा रही है और वर्क के फॉर्म में वह एनर्जी जा रही है. इफ वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिक्रीसेस वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आएगा, वर्क डन बाय द सराउंडिंग पॉजिटिव आएगा और हम हमेशा कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. मैं एक बात और बताता हूं. हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ जो भी प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस वुड बी आइदर रिवर्सिबल और दैट प्रोसेस वुड बी इरिवर्सिबल. हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम के साथ जो भी कुछ प्रोसेस होता है that process would be either reversible or that process would be irreversible. For a reversible process, for any reversible process, reversible process is that process which may be revert back along the same path. प्रोसेस जिस पाथ से, जिस रास्ते से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, यदि उसी रास्ते से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी यदि उसे लौटाया जा सके तो उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सिस्टम. Always किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम में गैस की वजह से जो प्रेशर होएगा वही सराउंडिंग की वजह से प्रेशर होता है. इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड. equilibrium of forces always hold. सिस्टम की वजह से फोर्स और सराउंडिंग की वजह से फोर्स, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं और इक्विलिब्रियम हमेशा होल्ड करता है. पिस्टन इज अनएक्सीलरेटेड, पिस्टन इज अनएक्सीलरेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड होता है. पिस्टन कभी भी एक्सीलरेट नहीं होता, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से और ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से धीरे धीरे मूव करता है. अब इस सिचुएशन में वर्क डन बाय सिस्टम, जिसे हमने कहा है इंटीग्रल पीडीवी, और वर्क डन बाय सराउंडिंग, जिसे हमने कहा है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी. अब जरा सोचिए, डीवी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के वर्क में दोनों दिख रहे हैं तो दोनों सेम हुए, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी और पी एक्सटर्नल भी बराबर हो गए. सो फॉर सच रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम इज ऑलवेज माइनस ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग. For any reversible process, for any reversible process, किसी भी reversible process के लिए work done by system or work done by surrounding by magnitude they would be equal. And there would be minus sign. Work done by system would be minus of work done by surrounding. But this concept would hold only for a reversible process. Why? If process is irreversible, irreversible process जब होता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम की वजह से प्रेशर इक्वल नहीं होते, दे वुड बी अनइक्वल. गैस का प्रेशर कुछ और है और सराउंडिंग का प्रेशर कुछ और है. हो सकता है तेजी से कोई दबा रहा हो सकता है तेजी से कोई खींच रहा हो. इस तरह से पिस्टन को कोई तेजी से दबाएगा तो वो जो प्रोसेस बनेगा वो रिवर्सिबल नहीं बनेगा, या तेजी से कोई खींचने लगेगा एकदम से तो वो जो प्रोसेस होगा दैट वोंट बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वह इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कहते हैं पी एक्सटर्नल would not be equal to pressure due to system. Irreversible process के लिए surrounding का pressure और system का pressure वो equal होंगे, unequal होंगे. अब once again इधर हम यह नहीं बता सकते कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा. किसी सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी ज्यादा दिख सकता है और किसी सिस्टम में आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम भी दिख सकता है, बस वो बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे. और वहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होएगा, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम नहीं होएगा. हेंस द पिस्टन वुड बी एक्सीलरेटेड. एंड हेंस piston is accelerated. वहां पिस्टन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के बजाय एक्सीलरेट होएगा उसकी वेलोसिटी में चेंज दिखेगा। और ऐसी कंडीशन में वर्क डन बाय सिस्टम की डेफिनेशन तो यही रहेगी, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। वर्क डन बाय सराउंडिंग की भी डेफिनेशन यही रहेगी, माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। मगर पी और पी एक्सटर्नल अनइक्वल होने की वजह से वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय सराउंडिंग दे वुड बी अनइक्वल, दे वुड नॉट बी इक्वल। वर्क डन बाय सिस्टम would not be equal to work done by surrounding. ध्यान रहे जेईई के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम यह कंसेप्ट हमेशा लगाएंगे। यदि किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में यह बात साफ साफ दे रखी हो कि यह प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, तब हम वर्क डन बाय सिस्टम सराउंडिंग को अनइक्वल कहकर फिर हम दोनों को अलग अलग डिटरमाइन करेंगे। अब ऑल दिस आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक वर्क। अब इधर मैं एक बात और बताऊंगा थर्मोडायनामिक वर्क समझाते हुए। जनरली इन केमिस्ट्री, सिंस वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री हमको खास पढ़ना है। सिस्टम की वजह से जो प्रेशर है उसको डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो वेरिएबल होता है, वो वेरी होता है। जबकि सराउंडिंग की वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको डिटरमाइन करना आसान होता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ केसेस दिस एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर। विल ऑब्जर्व दैट कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय सराउंडिंग इज अ सिंपल प्रोसेस rather than calculating work done by surrounding. Rather than calculating work done by system. हम chemistry में will focus on work done by surrounding. हम हमेशा work done by surrounding determine करेंगे और हमेशा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डिटरमाइन करना, एक्सटर्नल प्रेशर मेजर करना आसान होता है। गैस का प्रेशर मेजर करना मुश्किल है। सराउंडिंग का प्रेशर या तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, जो भी कुछ लगाया है उसको मेजर करा जा सकता है। इसलिए वर्क डन बाय सराउंडिंग हमेशा कैलकुलेट करा जाएगा इन केमिस्ट्री। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, दिस वर्क डन बाय सराउंडिंग, इसको हम नेगेटिव लेंगे। While if volume decreases, this work done by surrounding would be positive. This would be the standard convention used in thermochemistry. This is the standard convention used in thermochemistry. While studying thermodynamic change during any chemical reaction, external pressure is easiest to measure. अब now my next article is First Law of Thermodynamics. First law of thermodynamics. देखिए, फिजिक्स में जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल देख रखा है, उसी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को थर्मोडायनामिक्स में हम फर्स्ट लॉ कहते हैं. Now, what is energy conservation principle that we had already come across in physics? हमने इनफैक्ट 9th-10th क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सुन रखा है. दैट एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी को ना तो कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है. इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, वो क्रिएट नहीं हो सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. इसी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हमने थर्मोडायनामिक्स में कह रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Now, what do first law of thermodynamics say? देखिए, heat is a form of energy. Work is a form of energy. And internal energy is also a form of energy. हमने सबसे पहले internal energy concept को सीख लिया, फिर हमने heat के concept को सीखा, और आज हमने work के concept को सीखा. ये तीनों ही energy का form है. And now, first law of thermodynamics says that heat, work, and internal energy are interconvertible. It says that heat, work, and internal energy are interconvertible. This is first law of thermodynamics. What do it mean? Heat को आप चाहे तो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. वर्क को आप चाहे तो हीट और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी को आप चाहे तो हीट और वर्क में, तीनों को आपस में किसी भी तरह से कन्वर्ट करा जा सकता है, बिकॉज ऑल दिस थ्री आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्म है, ये तीनों ही ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, ये हमेशा कंजर्व रहते हैं, और आपस में एक दूसरे में इनका कन्वर्जन किसी भी तरह से करा जा सकता है. I'll write it like this. Heat, work, and internal energy इनको आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से कन्वर्ट करा जा सकता है. हीट को आप जितना चाहें उतना वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए. इनफैक्ट मैं ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं और इधर हीट लिखता हूं, इधर वर्क लिखता हूं और इधर इंटरनल एनर्जी लिखता हूं। और इधर दोनों तरफ एरो लगाता हूं, इधर भी दोनों तरफ एरो लगाता हूं और इधर भी दोनों तरफ एरो लगाता हूं। बेटर रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर। हीट को आप चाहे जितना वर्क में और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, इंटरनल एनर्जी को आप हीट और वर्क में कन्वर्ट कर लो और वर्क को आप हीट और इंटरनल एनर्जी में किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स which is in fact another statement of energy conservation principle. Now mathematically this first law of thermodynamics may be written in this manner. Mathematically हम ऐसे लिखेंगे, some delta Q amount of to the system, सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी गई, प्लस देयर इज सम वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, देयर इज सम वर्क डन बाय द सराउंडिंग। नाउ सिस्टम गैदर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सिस्टम ऑल्सो गैदर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, देयर इज सम वर्क डन बाय द सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग ने वर्क के फॉर्म में कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर डाल दी, सराउंडिंग ने हीट के रूप में भी कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर डाल दी, सिस्टम ने एनर्जी हीट के रूप में भी ले ली और वर्क के रूप में भी ले ली, और दोनों एनर्जी को लेकर सिस्टम ने उसे अपने अंदर इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया। दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। This is mathematical expression for first law of thermodynamics. Here delta Q of system is heat transferred by the system W of surrounding is work done by the surrounding, and delta E of system is change in internal energy of the system. Change in internal energy of the system. Let me once again recall the convention. For endothermic process, when heat is absorbed, delta Q of system would be positive value, while for exothermic process, when heat is rejected, delta Q of system would be negative value. मैं इधर तेजी से लिख देता हूं. If endothermic process that is if heat absorbed, in that case this delta Q of system is a positive value, while if exothermic process means if heat is rejected by the system, in that case this delta Q by the system is a negative value. डेल्टा E के लिए मैं बता दूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इट मींस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इट मींस डेल्टा E वुड बी पॉजिटिव वैल्यू, while if temperature decreases, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इन दैट केस डेल्टा E नेगेटिव वैल्यू होगी। डेल्टा E के लिए एक्सप्रेशन एक और बार पेजेस टर्न करके देख लीजिए। डेल्टा E इज ms डेल्टा T फॉर सॉलिड और लिक्विड and it's NCV delta T for gas. Delta E is MS delta T, or this delta E is NCV delta T. This is for solid or liquid and this is for gas. ये एक्सप्रेशन मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी लिखवा रखा है। वर्क डन बाय सराउंडिंग तो अभी मैंने समझाया। वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो नेगेटिव, वॉल्यूम डिक्रीज होएगा तो पॉजिटिव। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब लिख दो, दिस इज फॉर सॉलिड और लिक्विड एंड दिस इज फॉर gases. अब मैं अलग अलग तरह के प्रोसेस समझाऊंगा। चार तरह के प्रोसेस मैंने बता रखे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस को मैं अब एक एक करके समझाऊंगा और इन चारों प्रोसेस के दौरान ढेर सारे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स जो अभी तक हमने सीख रखे उन सभी को सम अप भी करते जाऊंगा। सबसे पहले अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal process. Now, when do we say that the process is isothermal? हम किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मल कब कहते हैं? If temperature constant, the process is termed as isothermal process. यदि प्रोसेस के दौरान throughout टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कोई सिस्टम है, इनिशियली उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फाइनली उस सिस्टम का प्रेशर कुछ P2 हो जाता है और वॉल्यूम कुछ V2 हो जाता है। सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑब्जर्व दैट प्रेशर इज वेरिंग, इट्स वेरिंग फ्रॉम P1 टू P2, वॉल्यूम इज वेरिंग, द वॉल्यूम इज वेरिंग फ्रॉम V1 टू V2, but temperature doesn't vary, temperature remains constant. Such a process we'll call it isothermal process. Now if it is a closed system, यदि यह एक क्लोज्ड सिस्टम है, जैसा कि एग्जामिनेशन में हमेशा दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम में दिया जाएगा, हमें जो प्रॉब्लम दिया जाता है उसमें कंडीशन मेंशन कर दी जाती है। नाउ इफ इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम वी यूज टू से द मास वुड रिमेन कांस्टेंट, हीट में नॉट रिमेन कांस्टेंट, हीट में एक्सचेंज, हीट अंदर से बाहर भी जा सकती है, बाहर से अंदर भी जा सकती है, मगर उस सिस्टम से मास न तो बाहर जा सकता है न अंदर जा सकता है। ऐसे सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा। अब एक कंडीशन और दे रखी है, इट इज अ आइडियल गैस सिस्टम। वह एक आइडियल गैस सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो गैस, इट्स अ गैस एंड इट्स आइडियल गैस। फॉर सच आइडियल गैस वन कैन ऑल्सो राइट P1 V1 is equal to nRT, also P2 V2 is equal to nRT. यदि वहां आइडियल गैस सिस्टम है तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन ऑबे करना चाहिए। इनिशियली जब वह स्टेट 1 पर था तब भी, और फाइनली जब वह स्टेट 2 पर जा रहा है तब भी। किसी भी समय पर यह आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए। P1V1 should be equal to nRT1, P2V2 should be equal to nRT2 for such isothermal process when temperature remains constant one can always write P1V1 would be equal to P2V2 would be equal to N P into V. P is pressure at any intermediate condition, V is volume at any intermediate condition, and it should be equal to nRT. It should be always a constant. यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करनी चाहिए। ना आई कैन ड्रॉ थर्मोडायनामिक ग्राफ्स फॉर सच प्रोसेस। मैं ऐसे प्रोसेस के लिए थर्मोडायनामिक ग्राफ बना सकता हूं। आई कैन ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ फॉर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, इफ आई ड्रॉ फॉर pressure versus temperature, and if I draw for pressure versus volume, देखिए temperature remains a constant during the process. एक्स एक्सेस के अलॉन्ग मैंने टेम्परेचर बनाया है। कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाने के लिए मुझे वर्टिकल लाइन इस तरह से बनानी होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। नाउ इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम को मैं इस तरह से एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा के दिखाऊंगा। इनिशियली स्टेट 1 में वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनली स्टेट 2 में वॉल्यूम कम है। फॉर एनी आइसोथर्मल प्रोसेस वीटी ग्राफ वुड ऑलवेज लुक लाइक दिस। फॉर डिक्रीजिंग वॉल्यूम एरो डायरेक्शन शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, while if I draw PT graph once again temperature constant है, कांस्टेंट टेम्परेचर इस तरह की वर्टिकल लाइन के द्वारा ही दिखेगा। नाउ व्हेन प्रेशर व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये तो बिल्कुल बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन दिख रही है। बॉयल्स लॉ में भी तो ऐसे ही होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है गैस का, और वहां हमने ये बात सीख रखी है कि यदि वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता है। वॉल्यूम इधर डिक्रीजिंग है तो प्रेशर को बढ़ता हुआ दिखाना पड़ेगा, एरो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इस केस में इनिशियली स्टेट 1 पर प्रेशर कम होगा और स्टेट 2 पर प्रेशर ज्यादा होगा। We used to say, if we draw PV graph, यदि हम PV ग्राफ बनाए, now in this equation when pressure becomes infinity, volume reduces to zero. वॉल्यूम को जीरो करने के लिए प्रेशर को इंफिनिटी करना होगा। एंड if you make pressure equal to zero, then volume would increase up to infinity. If one draw PV graph, it would come out to be like this. This curve would meet volume excess at infinity, and this curve would also meet pressure excess at infinity. यह कर्व प्रेशर एक्सेस को इंफिनिटी पर मिलेगा और यह कर्व वॉल्यूम एक्सेस को इंफिनिटी पर मिलेगा। इस कर्व का मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम होता जा रहा है। देखिए, नाउ इन व्हाट डायरेक्शन एरो शुड बी ड्रॉन, एरो की डायरेक्शन कहां लगाऊं? स्टेट 1 से स्टेट 2 पर। स्टेट 1 पर हमने वॉल्यूम अधिक माना है और वॉल्यूम को कम होते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम को कम होते हुए देखना मींस आई वुड पुट एरो लाइक दिस। दिस हाउ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। स्टेट 1 इनिशियली कहीं इधर रहा होगा, स्टेट 2 फाइनली कहीं इधर रहा होगा। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाते समय वॉल्यूम तो कम हो गया और स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाते समय प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम कम होते हुए देखिए और प्रेशर को बढ़ते हुए देखिए। इधर मैं एक बात और बोल दूं, दिस पीवी कर्व ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोथर्म। दिस इज टर्म्ड एज आइसोथर्म। इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म इज पीवी कर्व ड्रॉन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी कर्व ड्रॉन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोथर्म। हम कहते हैं ये जो PV इक्वल टू कांस्टेंट है, मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, इस जगह पर डिफरेंशिएट करता हूं। PV इक्वल टू K, सम कांस्टेंट NRT ही लिखता हूं मैं, NRT। I differentiate this expression, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करना मीन्स D of PV is equal to D of NRT। once again इस समय जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूं इसको बड़ा क्लैरिटी पर तो आप 12th स्टैंडर्ड में समझ पाएंगे, मगर अभी हमें नोट डाउन करना जरूरी है। इट्स डिफरेंशिएटिंग मींस चेंज इन पीवी ड्यूरिंग द प्रोसेस, हम कहते हैं एनआरटी। एन इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, आर इज अ कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी temperature is also constant because it's an isothermal process. The right hand side पर this complete term is a constant and differential of constant, change in a constant value is always equal to 0. एक constant value में कोई change नहीं होगा. D of nRT would be always 0 for isothermal process. While D of PV, differential of PV, दोनों तरफ हमने differentiate करा. Now P is a variable, V is a variable. These are the product of two variable quantities. और product of two variable quantities का जब differentiation करा जाता है तो उसका तरीका मैं इधर बता दे रहा हूँ. पहली quantity को constant रखो और दूसरी को differentiate करो, और इसके बाद दूसरी को कांस्टेंट रखो और पहली को डिफरेंशिएट करो। इस तरह से P को हमने कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करा, फिर V को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को डिफरेंशिएट करा। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, अभी आप सिर्फ लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं भी समझ में आता है तो बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, लिख जरूर लीजिए, क्योंकि ये 12th का कंसेप्ट है और क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम छोड़ नहीं सकते किसी चीज को, बाद के लिए नहीं छोड़ सकते, अभी हम लिखेंगे जरूर, आगे इसको देखते रहेंगे और समझने का हमेशा कोशिश भी करते रहेंगे। P को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करा, P dV। दूसरी बात में हमने क्या करा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को डिफरेंशिएट कर दिया, VdP। PdV plus VdP is equal to 0. And from here I'll write PdV is equal to minus of VdP. अब मैं dV को नीचे ले आता हूं, इधर P को नीचे ले आता हूं, dP अपॉन dV इज माइनस ऑफ P अपॉन V एंड dP बाय dV इज टर्म्ड एज स्लोप ऑफ आइसोथर्म। द स्लोप ऑफ आइसोथर्म इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ P बाय V। मैंने इसलिए कराया है क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में यह चीज प्रूव करने के लिए आती है, पूछ लेते हैं, इसलिए हमने यह पूरा लिखा है। स्लोप ऑफ आइसोथर्म, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान पीवी कर्व है, इस कर्व का स्लोप It's always equal to dP by dV, and it's always equal to minus P by V. This is the slope of isotherm. Up. We used to say during isothermal process, change in temperature is 0, delta T is 0, और हम अच्छी तरह से जानते हैं change in internal energy होता है N CV delta T. Since the temperature is constant, his delta T value is 0. And change in internal energy is NCV delta T. This is the expression for change in internal energy. And since delta T is 0, hence change in internal energy during isothermal process is 0. Isothermal process के दौरान change in internal energy हमेशा 0 होती है। because there is no change in temperature. Up. इसी आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान now I wish to calculate the work done. इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है? और मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क डन बाय सिस्टम. क्योंकि इस समय हमें सराउंडिंग के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सराउंडिंग के द्वारा वर्क हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते. हमें सिस्टम के बारे में परफेक्टली पता है कि सिस्टम का इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है हमेशा, सिस्टम का मास कांस्टेंट है हमेशा. सिस्टम के लिए सारी इक्वेशंस होल्ड करती हैं. सिंस वी हैव गॉट परफेक्ट आइडिया अबाउट सिस्टम, हेंस वी कुड इजिली कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम. सिंस वी हैव गॉट नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सराउंडिंग, hence there is no point calculating work done by surrounding. We could not calculate it even. हम उसको कैलकुलेट कर भी नहीं पाएंगे. वर्क डन बाय सिस्टम कैलकुलेट करना इधर आसान होगा. अब वर्क डन बाय सिस्टम विच इज गिवन एज इंटीग्रल ऑफ पी डीवी. दिस इज द एक्सप्रेशन that we had wrote for work done by the system. During any thermodynamic process, किसी भी thermodynamic process के दौरान work done by system, it's always given by this expression. मैं इसी expression को employ करूंगा in order to calculate work. कैसे? Observe that pressure is variable. And pressure varies according to this equation. For pressure, one can always write nRT upon V. I can always write this expression for pressure, nRT upon V. मैं यही एक्सप्रेशन इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. Work done by system is integral of nRT upon V into dV. Integral of nRT upon V into dV. अब nRT कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के बाहर लिखा जा सकता है. nRT को मैंने इंटीग्रल साइन के बाहर लिख दिया और अंदर रह गया dV अपॉन V. और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए. इनिशियल वॉल्यूम हम लोअर लिमिट लिख देते हैं V1, फाइनल वॉल्यूम हम अपर लिमिट लिख देते हैं V2. दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम during this isothermal process. अब once again इंटीग्रल का एक फॉर्मूला जो हम 12th क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम इधर तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx is natural log x. Integral of 1 by x dx is natural log x. Integration का यह formula welcome across in 12th standard, but here we will directly apply. We are observing this condition here. Integral of 1 by v dv. work done by the system is nRT, integral of 1 by V dV is ln V, initial volume is V1, final volume is V2. इंटीग्रेट करने के बाद लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दे आर रिटन इन दिस मैनर एंड आफ्टर दिस वर्क डन बाय सिस्टम nRT ln V, पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ln V2 माइनस ln V1. And finally, I'll write work done by system is nRT natural log of V2 upon V1. This is work done by the system. nRT ln of V2 by V1, V2 is final volume, V1 is initial volume. Also, from this expression, जो हमने लिखा है P1 V1 is equal to P2 V2. You can observe that P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. So I may rewrite work done by system in this manner as well. Work done by system is nRT ln of V2 by V1 की जगह पर मैं यह भी लिख सकता हूं P1 upon P2. Ln of P1 by P2. I can also write work done by system in this manner. During any isothermal process, अब एक बात मैं और बताता हूं जो मैंने थर्मोडायनामिक वर्क के दौरान नहीं बताई है, अभी याद आ रहा है इसलिए रिकॉल करवाता हूं, उसको अभी लिखवाता हूं. थर्मोडायनामिक वर्क जो मैंने इंटीग्रल पीडीवी वो बोला है, ग्राफिकली that integral pdv for any process which may occur in any manner like this, thermodynamic work which is integral pdv thermodynamic work which we had wrote it integral of pdv, its area under PV graph. थर्मोडायनामिक वर्क जो होता है, जिसको हमने इंटीग्रल पीडीवी लिखा है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ। एरिया अंडर पीवी ग्राफ का क्या मतलब है कि यदि प्रोसेस के दौरान इस तरह का पीवी ग्राफ है तो इस पीवी ग्राफ के नीचे जो भी कुछ एरिया है, इफ दिस इज वॉल्यूम V1 and if this is volume V2, then this is termed as area under PV graph. यह area under PV graph कहलाता है, and this area is equal to work done. ये जो एरिया होता है यह वर्क डन होता है। मैं इसी कंसेप्ट को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कहूंगा। फॉर दिस आइसोथर्मल प्रोसेस जो वर्क हमने निकाला है, इन फैक्ट दिस इज एरिया अंडर दिस आइसोथर्म। ये जो हमने आइसोथर्म बनाया है, आइसोथर्म इज पीवी कर्व ड्रॉन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इस आइसोथर्म के नीचे यह जो एरिया होता है, दिस इज वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इसे हम वर्क डन कहते हैं। दिस एरिया इज वर्क डन ड्यूरिंग एनी आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं इस कंसेप्ट को दोबारा बताता हूं। यह कंसेप्ट मुझे थर्मोडायनामिक वर्क बताते समय लिखवाना चाहिए। यदि वहां पर कोई स्पेस हो तो वहीं पर जरूर लिखिएगा, अदरवाइज आप इधर एक स्पेशल नोट डाल के एक अलग पेज पर जरूर लिखें। द थर्मोडायनामिक वर्क विच वी हैड एक्सप्रेस्ड इट लाइक दिस, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। इसी इक्वेशन का, इसी एक्सप्रेशन का मैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, एंड दैट ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इज फॉर द प्रोसेस इफ वी ड्रॉ पीवी कर्व, फॉर द प्रोसेस इफ वी ड्रॉ पीवी ग्राफ, हाउ प्रेशर इज वेरिंग विथ वॉल्यूम। वह पीवी ग्राफ हम जैसा भी बनाएंगे तो उस पीवी ग्राफ के नीचे जो भी कुछ एरिया होता है, दैट एरिया इज इंटीग्रल पीडीवी। So, thermodynamic work can also be written as area under PV graph. PV graph के नीचे जो भी कुछ एरिया है वही thermodynamic work होता है। मैं इसी कंसेप्ट को isothermal process के लिए दोबारा बोल देता हूं। Isothermal process के लिए जो हमने PV graph बनाया है, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। Do you know what is the mathematical name of this PV graph? इस PV graph का mathematical name क्या है? मैंने बता रखा है। Since it's a graph drawn for Boyle's law के लिए Boyle's law पढ़ाते समय मैंने बताया था। Boyle's law में जो PV graph बनता है, उससे हमने क्या कहा था? Exactly, it's a rectangular hyperbola. This curve is also called rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola हमने कहा था। This is a mathematical name for this curve. हम थर्मोडायनामिक्स में इसको आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म means PV curve drawn for isothermal process. इस आइसोथर्म के नीचे यह जो एरिया है, जो मैंने शेडिंग कर रखी, जो शेडेड एरिया है, दैट शेडेड एरिया वुड बी इक्वल टू दिस वर्क डन। इट वुड बी ऑब्टेन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, वर्क डन बाय सिस्टम इज एनआरटी लॉन वी टू बाय वी वन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वर्क डन बाय सिस्टम इज एनआरटी लॉन ऑफ पी वन बाय पी टू। अब I may also rewrite this expression in this manner, क्योंकि natural log हमें नहीं मिल पाता है। लॉग टू द बेस 10 के टर्म्स में यदि हम लिखते हैं तो वर्क डन बाय सिस्टम वुड बी रिटन एज 2.303 NRT log V2 by V1. Here this is log to the base 10. ध्यान रहे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज 2.303 लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स। यह कन्वर्जन फैक्टर होता है। नेचुरल लॉग एक्स इज 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10। यह लॉग का कंसेप्ट है, वंस अगेन मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है जिसे हमने इधर अप्लाई करा। वर्क डन बाय सिस्टम जो नेचुरल लॉग के टर्म्स में लिखा था इसे हमने लॉग टू द बेस 10 के टर्म्स में यदि लिखा तो 2.303 का टर्म इधर दिखने लगा। दिस वर्क डन बाय सिस्टम, इस एक्सप्रेशन को भी मैं लॉग टू द बेस 10 के टर्म्स में यदि लिखूंगा तो 2.303 NRT log of P1 by P2. इस तरह से मैं वर्क डन बाय सिस्टम लिख सकता हूं। मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ढेर सारी बातें इस समय बताई और जिन जिन एक्सप्रेशन को मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा है ना, दे आर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इन्हें प्रॉब्लम्स में आपको डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ सकता है। इधर एक बात और बता दूं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इन दैट केस V2 वुड बी ग्रेटर देन V1 एंड इफ V2 इज ग्रेटर देन V1 देन V2 अपॉन V1 वुड बी ग्रेटर देन 1 and log of any quantity greater than 1 would be a positive value. Work done would automatically come out to be a positive value. यदि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यह वर्क डन कैलकुलेट करने पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। while if volume is decreasing, यदि वॉल्यूम कम हो रहा है in that case this V2 would be less than V1. V2 upon V1 would be a quantity less than 1 and log of any quantity less than 1 would be a negative value. यह अपने आप negative आएगा, work done automatically negative आएगा। Increasing volume के लिए यह work done अपने आप calculate करने पर positive value ही आएगा और decreasing volume के लिए यह वर्क डन कैलकुलेट करने पर अपने आप नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट विल ऑलवेज यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग एनी आइसोथर्मल प्रोसेस। V1 इज इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज फाइनल वॉल्यूम। इन सारी बातों को देखने के बाद इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। नो डाउट